सप्ताह भर पहले उन्हेल में नागदा रोड पर स्थित मां बरोट बायोफ्यूल पेट्रोल पंप पर हुए सनसनीखेज लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है, पेट्रोल पंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस चौकीदार पर थी वही चोर चौकीदार निकला। उसी ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पेट्रोल पंप पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पेट्रोल पंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्य आरोपी सहित उसके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। उज्जैन पुलिस द्वारा एक जो पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी उसका खुलासा किया गया है। थाना उनेल में ये प्रकरण हुआ था। इस प्रकरण में जो पेट्रोल पंप पे कैश रखा जाता है रात्रि में, उस पेट्रोल पंप के कैश को लूटा गया था। प्रारंभिक जो पुलिस द्वारा जांच की गई थी सभी अधिकारियों द्वारा, तो उसमें शुरू से ही संदेह वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उस पर जा रहा था। और बाद में जब पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ, उसमें जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है उसके द्वारा ही पूरी योजना बनाई गई और अपने रिश्तेदारों के साथ में मिलके जो कैश है उसको लूटने की योजना बनाई, उसको लूटा गया।